रैप्सोडी की शुरुआत में जियांग को देखते हैं जिसके पास यू की आती है उसे बाहर चलकर भीड़ को कंट्रोल करने का कहते हैं। इस पर जियांग उसे कहता है कि जब उन्हें मैं यहाँ नहीं मिलूंगा तो वह खुद ही चले जाएंगे क्योंकि मैं इन्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उसकी इस बात से यू की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खड़ी भीड़ को फैंस को स्कूल का डिसिप्लिन भंग करने के कारण स्ट्रिक्ट एक्शन लेने और उन्हें इसके रूल बताने लगती है। इस सब का ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा होता है। यूकी की इन बातों को सुनकर फैंस और रिपोर्टर की भीड़ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को रिपोर्टर के साथ सेटलमेंट करते हुए देखते हैं ताकि वो श्यांग के पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद मैनेजर को हम ज़ियांग के पास देखते हैं जिसको ज़ियांग कह रहा होता है कि मैं अपने होम टाउन वापस नहीं जाऊंगा। तो मैनेजर उसे शेयर्ड रूम में रहने के लिए कहता है। ज़ियांग मना करता है। तभी मैनेजर उसे कहता है कि ये रियलिटी शो के कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। अब ना चाहते हुए भी ज़ियांग को मानना ही पड़ता है और मैनेजर उसके सूट के पैक कर ले आता। और दूसरी तरफ हम जुकी को देखते हैं जो कि अपना सूट केस लेकर शेयर अपार्टमेंट में जा रही होती है और उसे अपार्टमेंट के अंदर एक और टीचर चैंग मिलता है जो कि उसका हाउसमेट होता है। फिर वह दोनों अपने तीसरे पार्टनर के आने का वेट करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर रिंग होती है और वहाँ पे होता है ज़ियांग। ज़ियांग को देखकर सुमिन अपना मुंह बनाने लगती है और ज़ियांग भी उसे देखकर मुंह बनाता है। लेकिन अब वह दोनों कर भी क्या सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ही कहीं और रहने के लिए घर नहीं। और फिर मैनेजर ज़ियांग का रूम सेट कर वहाँ से चला जाता है। रात को ज़ियांग म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। तभी चैन उसके पास आता है, उसे टाइम दिखाकर म्यूजिक बंद करने के कहता है। लेकिन ज़ियांग उसके ही मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर ज़ुकी ज़ियांग को म्यूजिक बंद करने के लिए कहने जाती है। लेकिन ज़ियांग उसकी भी बात नहीं मानता जिस पर ज़ुकी गुस्सा होकर अपने रूम में आ जाती है। लेकिन वह देखती है की अभी भी ज़ियांग ने म्यूजिक बंद नहीं किया होता और ज़ुकी टाइम देती है जो कि बहुत ही ज्यादा हो चुका होता। और वह फिर पूरी तैयारी के साथ उठती है और ज़ियांग और चैन को बाहर बुलाती है और हॉल में बिठाकर ज़ियांग को उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है। जिन दोनों की तकरार देखकर बेचारा चैन तो डर ही जाता है। लेकिन ज़ुकी का गुस्सा देखकर ज़ियांग भी उससे डर जाता है और अपना फोन उठाकर मैनेजर को मैसेज करने लगता है ताकि मैनेजर ज़ियांग की हेल्प के लिए आ सके। वो उसे वीडियो बना के भेजता है और बहुत सारे मैसेज भी करता है लेकिन जिसका जवाब मैनेजर नहीं देता क्योंकि मैनेजर अपने घर पे अपने कैट के साथ बैठकर सुमन की पिक देख रहा होता है क्योंकि उसका घर अपना घर है। और इधर बेचारा ज़ियांग डरता हुआ कहता है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। वो घर से बाहर चला जाता है लेकिन कुछ ही टाइम में ज़ियांग घर के बाहर अंदर आ भी जाता है। कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जिस पर ज़ुकी उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। ज़ियांग उसे कहता है कि यहाँ कैमरे लगे होते हैं जिस पर ज़ुकी डर के पीछे हट जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम ज़ुकी को प्रिंसिपल को कहते हुए देखते हैं कि मुझे इस रियलिटी शो का पार्ट नहीं बनना। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों को एक घर में शिफ्ट करने का क्रिया दरअसल प्रिंसिपल का ही है। लेकिन अब ज़ुकी करे भी तो क्या। फिर हम ज़ुकी को बाथरूम के मिरर के आगे खड़ा हुआ देखते हैं लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वह ज़ियांग को बाथरूम में खींच कर ले जाती है। वो ज़ियांग को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उसे ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा कर पूछती है कि बाथरूम में तो कोई कैमरा नहीं लगा ना। लेकिन कैमरे की वजह से बता नहीं पाती। ज़ियांग कैमरे का बाथरूम में ना होने का बताता है। इतना ही सुनकर ज़ुकी उसकी बहुत ही बुरी तरह से धुलाई करती है। ज़ियांग का फेस देखने लायक होता है और फिर ज़ुकी ज़ियांग और शैन को घर के रूल समझाने लगती है और 10 बजे तक सोने को कहती है। रूल के नाम पर वह उनसे घर का सारा ही काम करवा रही होती है और ज़ियांग तो बेचारा उसे डर कर एक ही कोने में छुपा उसकी बातें सुन रहा होता है। और फिर रात को ज़ुकी अपने स्कूल का काम करने के लगती है लेकिन तभी उसे म्यूजिक की आवाज़ आती है। फिर वह ज़ियांग को म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है लेकिन ज़ियांग ज़ुकी की बात नहीं मानता और उल्टा उसके साथ आर्ग्यू करने लगता है जिस पर गुस्सा होकर ज़ुकी उसे कहती है इतने ही टैलेंटेड हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर म्यूजिक क्यों नहीं बनाते। इन बातों को सुन ज़ियांग बहुत ही ज़्यादा उदास होता है ऐसा बैठा ज़ुकी भी देखती है और बाद में फिर वो बहुत ही ज्यादा पछताती है जिस पर उसे रात को नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ुकी और ज़ियांग एक साथ स्कूल के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों की मॉर्निंग में क्लास होती है। ज़ुकी ज़ियांग से माफी भी मांगती है कि ज़ियांग वहाँ से चला जाता है। और फिर हम मैनेजर लिंग को देखते हैं कि ज़ुकी ज़ियांग के पुराने घर में उसका सामान लेने के लिए गया होता है वहीं और वहाँ उसे ज़ियांग का एक फैन मूचन मिलता है जो कि कंपनी की तरफ से घर में रहने के लिए आया होता है। ज़ुकी मैनेजर लिंग के सामने ज़ियांग की बहुत बेइज्जती करता है लेकिन लिंग ज़ियांग में अपना विश्वास दिखाते हुए कहता है वह बहुत ही जल्द कम बैक करेगा और अपनी पोजीशन वापस ले लेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। हमारा पार्ट से यहीं पर खत्म होता है।